राहुल गांधी अक्सर भाषणों में गलती की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। वो चाहे लोकसभा में दिया गया भाषण हो या फिर चुनावी रैली में दिए गए भाषण हो, राहुल गांधी अक्सर अपनी गलती की वजह से लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल ये गलती जानबूझकर करते हैं, ये गलती उनसे अनजाने में ही होती है, पर लोग इस बात का मजाक ऐसे बनाते हैं कि राहुल का ये वीडियो फनी वीडियो में बदल जाता है। राहुल की ऐसी ही कुछ फनी बातें हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक बार राहुल ने किसी विषय पर अपना विचार सबके सामने रखा। सामने बैठे बीजेपी नेता ने मुस्कुरा दिया। उसके बाद राहुल ने किस अंदाज में बातें कही उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अच्छी नहीं लगी। राहुल गांधी इसके बाद इतने कॉन्फिडेंस में आ गए कि सामने स्पीकर को देखकर मेल फीमेल की ही गलती कर बैठे। राहुल गांधी की इस बात पर पूरा सदन ठहाकों में गूंज उठा। राहुल को उनकी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्पीकर मैडम, सॉरी 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 चेयरमैन सर। राहुल गांधी की गलती पर मजे लेने वालों की कमी नहीं है, लेकिन राहुल है कि गलती करने से चूकते ही नहीं है, वो लगातार गलती करते रहते हैं। एक बार सदन में प्रधानमंत्री को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी खुद ही बुरी तरीके से घिर गए। राहुल गांधी ने अपनी गलती में यूपीए सरकार की योजनाओं का नाम ही गलत बोल दिया। प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते ही कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना, अच्छा बोलने दो। राहुल गांधी भाषणों में जितनी बार गलती कर चुके हैं, स्कूल में बच्चे भी इतनी बार गलती नहीं करते हैं। एक बार सदन में ही राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोलते हुए भारी गलती कर दी थी। उनकी इस गलती पर भी पूरा सदन ठहाके लगाकर हंसने लगा था। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज ₹35 प्रति बैरल है। $35, सॉरी। मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। राहुल ने पेट्रोल की कीमत को ₹35 बैरल बता दिया। जैसे ही उन्हें गलती का एहसास हुआ, उन्होंने इसे ठीक किया, लेकिन तब तक पूरा सदन हंसने लगा था। राहुल गांधी एक बार सदन में अरुण जेटली का जिक्र कर रहे थे कि उसी वक्त जेटली जी भी सदन में आ गए। राहुल गांधी ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। राहुल के इस अंदाज पर पूरा सदन एक बार फिर हंसने लगा। कल मैं अरुण जेटली जी का भाषण सुन रहा था और हम यहां बैठे हुए थे और बीच में मैं ऐसे हिला, परसों गलती कर दी, सही बात है। आ गए, नमस्कार। उनके आए, आपने सुना नहीं। ये तो सदन की बात हुई, रैलियों में भी राहुल गांधी ने कई दफे गलतियां की हैं, जिसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। राहुल गांधी ने गुजरात में दूध उत्पादन को लेकर एक रैली में जिक्र किया था। राहुल के भाषण वाले इस वीडियो को हजारों लोगों ने वायरल किया है। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। रैलियों में भाषण देते हुए राहुल ने एक बार ऋषिकेश में गलती की थी, जब उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए फटा हुआ कुर्ता दिखाया था। इस बात को लेकर राहुल का काफी मजाक उड़ा था। हाल ही में राहुल के दिए कई भाषणों के छोटे छोटे हिस्से काफी वायरल रहे हैं। उन्होंने आलू की फैक्ट्री को लेकर एक बयान दे दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी किरकिरी हुई थी। राहुल गांधी ने एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि लोगों की मांग पर मैं आलू की फैक्ट्री नहीं लगा सकता। अब आप कह रहे हो कि यहाँ आलू की फैक्ट्री लगवाओ, आप कह रहे हो कि यहाँ पे किसान की मदद करो, अंत में मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। राहुल गांधी की गलती इंडिया तक ही सीमित रहती तो चल जाता,
राहुल ने यूएन में बोलते हुए एक भारी गलती कर दी जब उन्होंने बताया कि भारतीय संसद में 546 मेंबर बैठते हैं। इसके बाद ट्विटर पर राहुल की काफी फजीहत हुई। इफ यू लुक एट लोकसभा 546 पीपल, टू मी दैट शुड बी 546 इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ईच वन फंडामेंटली इन्वॉल्वड इन लॉ मेकिंग। राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं। आगे भी वो अगर ऐसे ही बयान देते रहे तो उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती खड़ी होती रहेगी। इससे अच्छा यही है कि राहुल जितना बोलना हो उसका आप पहले ही स्क्रिप्ट तैयार करें और पढ़ें। वन इंडिया की खास रिपोर्ट।